हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट की है हमने, चैप्टर फिफ्थ अभी चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी काफी सारी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट के कुछ इफेक्ट्स थे, है ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमने पढ़ाई की थी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज होता है। जी हाँ, कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। और मजे की बात यह है कि सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में सेम चार्ज होता है, या तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो देखिए चलते हैं। ऑल पार्टिकल्स इन अ गिवन डिस्पर्जन कैरी सेम चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए, अब हमें देखना ये है कि अगर चार्ज ना हो तो क्या होता, क्योंकि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सोल अगर बन रहा है तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या आसपास अगर चार्ज नहीं होता तो वो पीपीटी बन जाता, वो नीचे बैठ के पीपीटी बन जाता, कोलाइडल सॉल्यूशन रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनमें चार्ज होना जरूरी है। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं। देखिए, सपोज करिए यहां पर पार्टिकल्स हैं, ये दो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और मैंने माना कि इसमें जो चार्ज है आउटर साइड में वो है पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। चलिए पहले हम ये मान लेते हैं, पहले वो केस ले लेते हैं जिसमें चार्ज है ही नहीं, ठीक है। पहले हम वो केस लेंगे जिसमें चार्ज है ही नहीं। अगर इनका चार्ज नहीं होता, इनमें, इन दोनों कोलाइडल पार्टिकल्स, मैंने माना दो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इनमें अगर चार्ज नहीं होता तो ये क्या होता, आपस में एग्रीगेट कर जाते। क्या कर जाते? एग्रीगेट, यानी आपस में कंबाइन होके नीचे बैठ जाते और क्या बना लेते? पीपीटी। आई बात समझ में? इन कोलाइडल पार्टिकल्स में अगर चार्ज नहीं होता तो ये क्या करते? नीचे बैठ जाते और बना लेते पीपीटी। बट चूंकि इसमें चार्ज है, चूंकि इनमें चार्ज होता है, तो देखो क्या होता है। फिर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है आउटर, इसमें भी पॉजिटिव है कि मैंने आपको बताया सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में इन गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन सेम चार्ज रहेगा, या तो पूरे नेगेटिव होंगे या पूरे पॉजिटिव होंगे। तो आप देखो, कोलाइडल पार्टिकल्स थे ये सारे, पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज होने के कारण ये नीचे नहीं बैठते और पीपीटी नहीं बनाते, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, ये आपस में रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। और रिपल करने के कारण क्या होगा, ये नीचे भी नहीं बैठेंगे और ये बिल्कुल सॉल्यूशन में रहेंगे, ठीक है। ये ग्रेविटी, इनके अंदर ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं होता तो ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण ही नीचे बैठ जाते और पीपीटी बना लेते। अब आप देखिए, यहां पर सब में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज और देखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। ध्यान रखिएगा, जो कंप्लीट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब ऐसा कैसे हुआ? कोलाइडल पार्टिकल अगर मान लो पॉजिटिव है तो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, जो पूरा फेज होगा डिस्पर्जन मीडियम के, जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। फिर बात आ रही है समझ में? और इस तरीके अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे होते? नेगेटिव होते। अगर इनके आसपास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें चार्ज होता पॉजिटिव। तो ऐसे करके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और अगर बात करें अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की, तो दे हैव इवन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से ये चार्ज जो है एक्वायर करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो है चार्ज को अपने ऊपर लेते हैं, ऐसे नहीं है कि पहले ही होता है इसके अंदर चार्ज, नहीं, ये चार्ज को अपने ऊपर लेते हैं।
अब ये चार्ज किस हिसाब से अपने ऊपर लेते हैं, क्या इनकी जो है प्रिफरेंस रहती है, उसे हम प्रिफरेंस भी बोलते हैं कि किस हिसाब से ये अपने चार्ज ले रहे हैं, ये खुद चूज करते हैं कि हमें कौन सा चार्ज चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए टॉपिक तो देखिए, अब हम देखते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे उनके ऊपर जो चार्ज था उनका ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन मतलब कहां से वो आए, है ना। देखिए ओरिजिन ऑफ चार्ज में हम बात करेंगे प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की, कि भाई जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं, वो चॉइस करते हैं कि भाई हमें कौन सी किस टाइप के चार्ज से जो है हमारे ऊपर होने चाहिए, प्रेफरेंस लेते हैं वो। अब जैसे कि अगर सपोज करिए कोई भी नेता होगा, अपने विधायक कोई बन जाएगा सपोज करिए किसी जगह से, तो वो सबसे पहले अपने जो रिलेशन में होंगे उनका उद्धार करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही प्रेफरेंशियल चीजें जो है यहाँ पर आएंगी, तो आप देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनमें बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी सी मात्रा में भी जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है वो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं, सपोज करिए AgNO3 है, AgNO3 इसकी मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ में, और NaI जो है वो एक्सेस में है, वो क्या है एक्सेस में है, ठीक है। तो क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा, AgI बनेगा, ठीक है। अब जब आप AgNO3 को और सोडियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाओगे आपस में तो देखो क्या बन जाएगा, एक तो हमारा कोलाइडल पार्टिकल AgI बन गया, साथ साथ में कौन सी और चीजें बनेंगी, प्लस मैं अलग अलग बता रही हूं आपको, एक तो बनेगा NO3 बच गया ना, तो NO3 माइनस जोड़ भी सकते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट भी कर सकते हैं, बट अभी हम अलग अलग ले रहे हैं, तो NO3 माइनस बच गया, है ना, और क्या बचेगा, सोडियम की पावर पॉजिटिव और प्लस I नेगेटिव, तो करीबन ये सारी चीजें जो है हमें मिली। मैं दोबारा यहां लिख रही हूं ताकि आप अच्छे ढंग से देख पाए, एक तो बना हमें AgI मिला है, NO3 इसको लास्ट में लिखते हैं, NO3 को Na पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव प्लस NO3 माइनस, ठीक है। यहां से मैं इसको मिटा रही हूं ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओ, इधर मैं सिर्फ इसी को रखूंगी, जो मेन हमारा है कोलाइडल पार्टिकल इसी को रखूंगी मैं, ये बाकी जो इससे मिलकर बन रहा है वो ये है, ठीक है, AgI सोडियम प्लस आयोडीन माइनस NO3 माइनस, ठीक है। क्या करता है ये AgI, क्या करेगा, जो ये AgI है, ये AgI क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, या मैं बोलूं जो इसके अंदर एनायन या कैटायन है, जैसे कि मान लीजिए I नेगेटिव है ना इसके अंदर और Ag पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये अपने में से कॉमन ढूंढेगा और उसी को जो है प्रिफरेंस करेगा और उसी टाइप के चार्ज लेगा। आप मुझे बताइए AgI तो एक है, बाकी इन तीनों में से ऐसा कौन सा कैटायन या फिर एनायन है जो कि AgI से मैच करता है, I माइनस कर रहा, तो ये क्या करेगा AgI अपने ऊपर I माइनस की लेयर ले लेगा, क्या करेगा ये अपने आगे पीछे I माइनस की लेयर ले लेगा, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है I माइनस, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कैसे हुआ, क्योंकि उसने अपने सरफेस पे चार्ज कौन सा लिया है, अपने सरफेस पे उसने एड्सॉर्ब किया है चार्ज को, ठीक है। दूसरा प्रिफरेंशियल कैसे, क्योंकि उसने खुद ने चूज किया, जो कॉमन होगा वही वो चूज कर लेगा, ठीक है ना, बात आई समझ में। आई कॉमन था, इसने जो है कौन सा लिया है आई माइनस ले लिया, और इसने ऊपर जो है अपने एड्सॉर्ब कौन सा करवाया है आई माइनस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। अब देखिए अगर आई माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है, या माइनस के बाद में उसे बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव का भी होगा, और यहां पर पॉजिटिव का है सोडियम प्लस, तो इसके बाद जो लेयर बनेगी वो बनेगी सोडियम प्लस की, ठीक है, आई बात समझ में। पहली लेयर हो गई आई नेगेटिव की, दूसरी लेयर हो गई
सोडियम प्लस की, ठीक है। अब आप देखिए, जब भी कोई दो ऐसी लेयर्स जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरी बाहर की लेयर नेगेटिव, या फिर अंदर वाली लेयर नेगेटिव की हो बाहर की पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पता पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना इसके अंतर को, जो मैं बेसिकली आपको अलग से समझा देती हूँ इसको, बेसिकली जो इसके अंतर को हम कहते हैं वो बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, जीटा पोटेंशियल। पहले लेयर बनाई एजीआई ने, ये तो पता चल गया कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज तो एक ही होता है, ये सोडियम प्लस तो मैंने आपको बाद में सॉल्यूशन का बताया है, बाकी जो चार्ज होता है एजीआई के बीच में ऊपर, सॉरी वो होता है आई नेगेटिव, क्योंकि इसने प्रेफरेंस कर लिया आई नेगेटिव को क्योंकि कॉमन भी था। तो ये बात खत्म, ओरिजिन हो गया चार्ज का। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम प्लस भी रहेगा बाहर की लेयर में, और इन दोनों लेयर के क्रिएट होते ही, इन दोनों लेयर के क्रिएट होते ही पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। बात समझ में आई, तो आई होप आपको ओरिजिन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लूं तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेती हूं मैं। देखिए अब मैंने क्या ले लिया है, NaI प्लस AgNO3, और अब की बार AgNO3 जो है वो एक्सेस में है। क्या है, AgNO3 एक्सेस में है। दोबारा क्या बनेगा, AgI बनेगा। यहां पर क्या बन गया, AgI। मैं इधर, हाँ इधर तो मेन लिख रही हूं मैं, कोलाइडर पार्टिकल, कोलाइडर जो होगा हमारा सोल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, बाकी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या क्या और बनेगा। AgI तो मेन मेन क्या बनेगा, AgI बन गया। अब की बार NaI नहीं है एक्सेस में, क्या है, AgNO3 एक्सेस में है, तो क्या बनेगा, एक तो Ag प्लस बनेगा, प्लस NO3 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा भाई, और क्या बनेगा, और बन जाएगा Na प्लस, ये चीज बन जाएगी। अब आप देखिए ये हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है, अब ये अपने सरफेस पे कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी प्रेफरेंस रखेगा जो बाकियों में कॉमन होगी, जो बाकियों में कॉमन होगी। तो मुझे बताइए इसमें और बाकियों में कौन सा कॉमन है, NO3 कॉमन नहीं है, Na पॉजिटिव कॉमन नहीं है, अब की बार Ag प्लस कॉमन है, देखो है ना। तो अभी क्या करेगा अपने ऊपर, Ag प्लस की एडजॉर्प्शन करवा लेगा चार्ज की, मतलब पॉजिटिव Ag प्लस जो चार्ज है उसकी एडजॉर्प्शन करवा लेगा। बात समझ में आई। अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बाहर कौन सा आ जाएगा, अगर आएगा तो, ये तो देखो कंप्लीट हो गया कोलाइडल पार्टिकल का काम, कंप्लीट हो गया ओरिजिन ऑफ चार्ज हो गया। बट ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो बाद में कौन सी लेयर आ जाएगी, NO3 की, इसके आगे कौन सी लेयर हो जाएगी, NO3 पूरी लेयर हो जाएगी इधर भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, आई होप अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे उस पे। तो देखिए मैंने आपसे बात की थी जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज होता है, तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज सोल्स क्या होते हैं या कौन से होते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी पॉजिटिव चार्ज सोल कौन से होते हैं और नेगेटिव चार्ज सोल कौन से होते हैं। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज सोल की बात करें तो नंबर 1 जितने भी हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज सोल। ये आपको याद करने ताकि आपको ध्यान में रहे, जैसे कि Al2O3.xH2O, Fe2O3.xH2O एक्सेट्रा, इतने भी हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड। बात करें पहले पॉजिटिव चार्ज सोल ही बताऊंगी, सेकंड बात करूं मैं इसकी तो जितने भी बेसिक डाई स्टफ्स हैं, जितने भी बेसिक डाई स्टफ्स हैं लाइक मिथाइलिन ब्लू सॉल है ना, जितने भी बेसिक डाई स्टफ्स हैं वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। थर्ड में बात करूं हीमोग्लोबिन, जानते हैं सब ब्लड, तो हीमोग्लोबिन जो बेसिकली होगा, यानी ब्लड की एग्जाम्पल ले लू मैं, तो पॉजिटिव चार्ज सोल है वो भी। बात करें फोर्थ ऑक्साइड जितने भी हैं, एग्जाम्पल TiO2 सोल जो है
वो भी कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल। अब आए हम अगर नेगेटिवली चार्ज सोल पर, तो फर्स्ट जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर है ना एक्सेट्रा, वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकंड वन, जितने भी मेटलिक सल्फाइड हैं, वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज सोल। एग्जाम्पल है AS2S3, इसको थोड़ा ध्यान रखना AS2S3 का, इसका हम बाद में भी यूज करेंगे। तो AS2S3 ठीक है, CDS, ये CDS है, ध्यान से देखिएगा, सी कैडमियम सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, CDS सोल, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज सोल है, जितने भी मेटलिक सल्फाइड है। थर्ड वन, जितने भी एसिड डाई स्टफ है, जितने भी एसिड डाई स्टफ है, वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल। फॉर एग्जाम्पल कोंगो रेड सोल, ठीक है, तो ये सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल है। फोर्थ की मैं बात करूं तो सोल ऑफ स्टार्च, गम, गिलेटिन, ये सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, आगे मैं बताऊंगी कैसे ये काम में भी आते हैं, है ना, तो आपको ध्यान में रहेगा तो आपको पता चल पाएगा कि अच्छा ये वाला सोल ये तो पॉजिटिव है, वो वाला सोल वो नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको एक साथ जो है अंतर करके इसको बता दिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्या होता है, बेसिकली हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बेसिकली इसी से ही, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है, कंफर्मेशन होता है कि जो चार्ज है होता है, मतलब प्रेजेंट होता है ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं और एक्सपेरिमेंट जब हमारा हुआ, तब पता चला कि भाई कोलाइडल पार्टिकल्स में जो है ऊपर जो है उसके चार्ज होता है, कंफर्मेशन तब मिली। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या होता है बेसिकली, हमने एक यू शेप की ट्यूब ली है, इसके अंदर हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, और वॉटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में है, आप देख सकते हो कोलाइडल पार्टिकल ये रहा, ठीक। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर हमने डाल दिया है, ये नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, ठीक है, बाद में इसको हमने जोड़ दिया। अब आप देखें क्या होगा, जैसे ही हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड को इस यू शेप जो हमारा ट्यूब हमने ली है उसके अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, वो मूव करने लगेंगे, ठीक है, वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। सपोज टू बी अगर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें चार्ज नेगेटिव है, मैंने माना नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है पॉजिटिव जो है वो ये वाला है, कैथोड जो है वो ये वाला है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इधर मूव करने लग जाएंगे, सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो है मूव करने लग जाएंगे, किसकी ओर, कैथोड की ओर। बात समझ में, और यहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे, कहने का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव जो होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव पार्टिकल्स जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी से ही पता चला कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। अब अगर किसी भी तरीके से हम कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका मूवमेंट रोक दें, अंदर अगर कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट हम रोक दें किसी भी तरीके से बाय द एनी सुटेबल मींस, तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम का, डिस्पर्जन मीडियम जो है मूव करने लग जाएंगे, और फिर उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको, जब अगर कौन मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिस्पर्जन मीडियम, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हो
इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।